नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल शुरू हो गया है। यहाँ पर विधान परिषद का चुनाव हो रहा है और हमारे साथ हैं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के जो डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र हैं, वो इसके लिए उम्मीदवार हैं। सर, आप बताइए क्या क्या मुद्दे हैं आपके इस बार? ये विधान परिषद का निर्वाचन शिक्षक संगठन और सरकार के बीच होने जा रहा है। सरकार संगठन के प्रतिनिधि को विधान परिषद में भेजना नहीं चाहती है या बिहार राज्य स्थापित करना चाहती है यहाँ पर व्यवस्था को। हम लोग आमादा हैं कि हम अपने प्रतिनिधियों को भेजेंगे विधान परिषद में। प्रदेश का शिक्षक इस बात पर अडिग है। यह सरकार कहती है कि हम शिक्षकों के लिए बहुत काम किए हैं। इनका काम है अप्रैल के 5 के बाद जो शिक्षक साथी नियुक्त हुए उनकी पेंशन को समाप्त कर दिया है। इन्होंने पूर्ववर्ती सरकार जो वित्तहीन विद्यालय में मानदेय दे रही थी 999 रुपये, उसको भी समाप्त कर दिया। इस सरकार ने हमारे 7 प्रकार के भत्तों को समाप्त कर दिया। इस सरकार ने चयन बोर्ड अधिनियम की धारा 21 को हटाकर उसके स्थान पर धारा 18 ला दी। इस सरकार ने हमारे 7 प्रकार के भत्तों को समाप्त कर दिया। इस सरकार ने अप्रैल 14 के बाद जो शिक्षक साथी नियुक्त हुए उनकी GPF की व्यवस्था को समाप्त, सॉरी, जीवन बीमा की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। यह सरकार के कार्य हैं शिक्षकों के प्रति, और यह सरकार हमारे अनुदान को भी समाप्त करने के चक्कर में पड़ी हुई है। पेंशन जो हमारे पुराने साथियों को मिल रही है उस पेंशन व्यवस्था को भी समाप्त करने पर आमादा है। हम प्रदेश के सभी शिक्षकों से यह आग्रह करेंगे कि जिस संगठन ने आपको इस सुखद स्थिति में जीने का सौभाग्य दिया है, उस संगठन के प्रति अपनी निष्ठा को दिखाते हुए प्रदेश के सभी सीटों पर माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मागुट के प्रत्याशी को विधान परिषद में भेजें। तभी हमें आने वाले दिनों में हमारी अर्जित उपलब्धियां सुरक्षित होंगी और आगे नई उपलब्धियां प्राप्त हो सके। जी, आप कह रहे हैं कि जो पुरानी पेंशन है, पुरानी पेंशन को, आप कह रहे हैं कि जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल करने का प्रयास करेंगे आप? जी हाँ, पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए हमारा संघर्ष होगा। वित्तहीन विद्यालय में कार्य करने वाले शिक्षकों को समान कार्य के आधार पर समान वेतन मानदेय दिए जाने की ये भावना हमारे अंदर है। हम इस संकल्प के साथ इस चुनाव मैदान में हैं। सर, एक और समस्या आ रही है कि धीरे धीरे सरकार जो है सरकारी विद्यालयों को और सरकारी जो संगठन है, क्षेत्र है, उसका निजीकरण कर रही है, तो उसके भी आप लोग विरोध में? जी, सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्था स्थापित करना चाह रही है। रेल, एयरपोर्ट, डिग्री कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक, सारे राजकीय इंस्टीट्यूशनों को सरकार प्राइवेट सेक्टर में 3P के अंतर्गत दे रही है। हमारा पुरजोर विरोध होगा इस बात का कि सरकार प्राइवेट सेक्टर में न दे, सेवा सुरक्षा हमारी सुनिश्चित हो, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। दीर्घायुर्भूत्वा दीर्घायुर्दीर्घायुर्भूत्वा शतवलेशा भूत्वा दीर्घायुर्दीर्घायुर्भूत्वा शतवलेशा दीर्घायुरिति दीर्घायुः भूत्वा शतवलेशा भूत्वा शतवलेशा पिशतवलेशा भूत्वा शतवलेशाभिः शतवलेशाभिः शतवलेशा शतवलेशाभिरोहतद्रोहतद्विशतवलेशा शतवलेशाभिरोहतात् शतवलेशेति शतवलेशा विरोहतद्वितिरोहतात् आयुष्मते स्वस्तिमते यजमानाय दाशुके श्रिये दत्ता शिष सन्तु।